पीडीएस के चावल में घोटाला किया जा रहा है। इस चावल को महंगे दाम पर बाजार में बेचने का खेल चल रहा है। ऐसे ही चावल से लोड वाहन को जब खाद्य विभाग ने पकड़ा तो ड्राइवर वाहन छोड़ के भाग गया। सतवास तहसील के लोकहरदा कोटखेड़ा मार्ग पर पिकअप वाहन में भरे एक पीडीएस के चावल को खाद्य विभाग ने जब्त कर लिया। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी अभिषेक मौर्य ने बताया कि सूत्रों से मिली जानकारी पर पिकअप वाहन चेक किया गया, जिसमें पीडीएस के 17.5 क्विंटल चावल और एक बोरी गेहूं कुल कीमत 34,000 होना पाई गई है। वाहन चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। जब्त सामग्री शासकीय वेयरहाउस कंटाफोड़ में जमा की गई है। वहीं वाहन को कंटाफोड़ पुलिस थाने पर पुलिस अभिरक्षा में रखा गया है। सूत्रों से हमें जानकारी प्राप्त हुई थी कि लोहारदा कोटखेड़ा रोड पे एक गाड़ी खड़ी है, जिसमें अवैध रूप से भंडारित फोर्टिफाइड चावल और गेहूँ, ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी। हम दोनों मौके पे पहुँचे तो सूचना सही पाई गई। हमने उसमें प्रथम दृष्टया चेक किया तो जो चावल था वो पीडीएस में बटने वाला फोर्टिफाइड मिक्स चावल होना पाया गया, जिसके आधार पे हमने गाड़ी को मौके से चावल और गेहूं सहित जब्त किया है। इस गाड़ी को हमने थाने के सुपुर्द किया है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।